Good morning, students. Today we will discuss topic of fourth unit is software testing fundamentals and testing levels. In previous lecture, we have seen what is the static and dynamic software testing and analysis. After that, we will see the what are the characteristics of software which we can test. The software must be operable, operational condition में होना चाहिए, can be observable, it should controllable also, decompose in different small parts also, so it will be easier to test, which each and every part we can test and find out the errors in every part, if any, should be simple. Stable means all the time it should give a same type of result and understandable also. What are the objectives of testings? Testing objectives हमारे ऐसे होने चाहिए कि testing is a process executing a program with the intent finding an error. Normally testing is done to find out the error or evaluate the things. Discover the error. Probability of finding the error, testing should systematically uncover different classes of errors in a minimum amount of time and minimum amount of effort. कम से कम समय और कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर को निकालने का जो ऑब्जेक्टिव है वो इट शुड बी द टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव. टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ऑल टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल. जितने भी टेस्ट हमने डिज़ाइन किए हैं या प्लान किए हैं शुड बी ट्रेसेबल. यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फाइंड आउट कर पाएँ. एंड इट शुड बी ट्रेसेबल टू द यूज़र रिक्वायरमेंट. मीन्स यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए होने चाहिए. टेस्ट शुड बी प्लान्ड अलोंग बिफोर टेस्टिंग बिगन्स. द प्लानिंग ऑफ टेस्टिंग शुड बी वेरी मच रिक्वायर्ड बिफोर टेस्टिंग स्टार्ट. बिकॉज सिस्टम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट प्लान किया जाता है एंड इट शुड रिक्वायर अ प्लानिंग. टेस्टिंग शुड बिगिन विथ अ स्मॉल इन अ स्मॉल एंड प्रोग्रेस टूवर्ड द इन अ लार्ज. मीन्स छोटे से काम से शुरू करते हैं एंड आफ्टर दैट इट शुड बी फॉरवर्ड टेस्टिंग इन अ लार्ज पार्ट ऑल्सो. नाउ next we will see the what is the process of testing, activity of testing. As we have seen requirement specification report humne banayi thi. Requirement specification is very much dependent on the requirement of customer. जो customer चाहता है वही requirement का specification हमारा होना चाहिए. एंड फॉर दैट वी प्लान एक्सेप्टेंस टेस्ट. एंड उसके लिए जो टेस्टिंग होगी दैट इज़ नोन एज द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. यदि इस टेस्ट को कस्टमर अप्रूव कर देता है देन इट शुड डिलीवर टू द कस्टमर. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग एसआरएस हमने वहाँ से स्पेसिफिकेशंस निकाले रिक्वायरमेंट के. आफ्टर दैट वी स्पेसिफाई द सिस्टम. एंड व्हेन वी स्पेसिफाई द सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्ट को अकॉर्डिंग रहता है. एंड स्पेसिफाई जो सिस्टम किया है उसमें हम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लानिंग करते हैं. मींस जो सिस्टम था उसका डिज़ाइन एंड उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे उन सब को मिला के इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान होता है जिसके लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. सिस्टम जब हमारा स्पेसिफाई हो गया देन वी डिज़ाइन इट. फॉर डिज़ाइन इट सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद हम उसके जो छोटे छोटे डिकम्पोज पार्ट हैं या डिटेल डिज़ाइनिंग करते हैं और इन सब सिस्टम्स को इकट्ठा करके सिस्टम डिज़ाइन में वी प्लान द सब सिस्टम इंटीग्रेशन डिज़ाइन जिसके लिए सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट होता है. जब हम डिटेल छोटे मॉड्यूलर में अपने सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद उसके हर मॉड्यूल एंड यूनिट कोड को टेस्ट करते हैं. ये टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग होती है. एंड आफ्टर दैट वी विल डू उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके टेस्टिंग होगी. आफ्टर दैट उन मॉड्यूल्स को वी विल इंटीग्रेट विद द सिस्टम. एंड आफ्टर दैट वी विल टेस्ट फॉर द कस्टमर. सिस्टम सही बन गया है बट फंक्शनिंग भी सही कर रहा है बट इफ इट इज इट मस्ट बी
अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर होना चाहिए. आफ्टर दैट ओनली इट विल बी अप्रूव्ड फॉर द सर्विस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फंडामेंटल टेस्ट प्रोसेसेस. एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? टेस्ट प्लानिंग होती है. फॉर टेस्ट प्लानिंग इट्स अ वेरी बिग पार्ट एंड वेरी रिक्वायर्ड पार्ट वी कैन से. इफ प्लानिंग इज गुड देन एवरी थिंग कैन बी गुड. आफ्टर प्लानिंग वी डिज़ाइन इट. डिज़ाइन के बाद हम टेस्ट एग्जीक्यूट करेंगे. आफ्टर एग्जीक्यूशन एक रिपोर्ट तैयार होगी, उससे डेटा कलेक्ट होगा एंड देन इवेल्यूएट किया जाएगा कि द सॉफ्टवेयर मस्ट बी गो फॉर द सर्विस और नॉट. नाउ टेस्ट प्लान का हम छोटा सा हिस्सा देखते हैं. वी विल सी द टेस्ट प्लान कैसे होगा. हर टेस्ट प्लान का एक आइडेंटिफायर होगा, यूनिक. उसका इंट्रोडक्शन होगा कि हम इस टेस्ट प्लान में क्या करने वाले हैं. व्हाट आर द आइटम्स टू बी एडेड, व्हाट फीचर्स टू बी टेस्टेड, नॉट टू बी टेस्टेड, व्हाट इज द अप्रोच फॉर द टेस्टिंग. हम यूनिट टेस्टिंग यदि कर रहे हैं तो क्या उसमें साइक्लोमेटिक ग्राफ बना रहे हैं या उसके इंडिपेंडेंट बात चेक कर रहे हैं. देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट. उसके बाद आइटम पास है या फेल है, उसके लिए व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, ये भी हमारे टेस्ट प्लान में रहेगा, पहले से ही डिसाइडेड रहेगा. एंड टेस्ट डिलीवरेबल है या नहीं है एंड इट इज़ अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, उसके लिए डेट होगी, डिसाइड होगी, साइन होगी एंड आफ्टर दैट इट विल गो फॉर द सर्विस. नाउ वी विल सी द स्ट्रेटजी फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर. You can say it the level of testing. Strategy means software testing integrate the design of the software test cases into a well-planned series of steps. एक planned series of steps रहते हैं जिनको integrate करके हम design decide करते हैं या strategy बनाते हैं and result is successful development of the software. यदि हमारी strategy सही होगी, design is सही होगी, देन हमारा डेवलपमेंट का टेस्ट सक्सेसफुल होगा. स्ट्रेटजी प्रोवाइड अ रोड मैप और यू कैन से अ माइल स्टोन विच डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन, व्हेन टू बी टेकन एंड हाउ मच एफर्ट, टाइम एंड रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड. स्ट्रेटजी जब टेस्टिंग की होगी तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि हमें कितना टाइम चाहिए, कब चाहिए एंड वॉट रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड. स्ट्रेटजी प्रोवाइड द गाइडेंस एंड सेट ऑफ माइल टोन. स्ट्रेटजी से हमें ये गाइडेंस मिल जाएगा कि वॉट शुड बी डू एंड माइल स्टोन्स मीन ही इन विच टाइम वी हैव टू डू. नाउ वॉट इज वेरीफिकेशन एंड वैलिडेशन. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. Verification means are the algorithm coded correctly. Means if we have done coding, the code should be run correctly. यदि हमने कोई function बनाया है for addition, तो क्या वो addition कर रहा है. If it is done addition correctly, means verification is done. Now validation means does it meet the user requirement. यानी हमने जो code बनाया है क्या वो user की requirement का था. If user ने कहा है कि मुझे library में stock management का software चाहिए, I want a software for the stock management, okay, and we are making the software for the library management for issuing and returning the books, it is very very different two things. Stock management means कितनी books हैं, कितनी मिसिंग है, वो मैनेज करना होता है. सो कस्टमर विल नॉट एक्सेप्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स स्टॉक मैनेजमेंट. सो वर्किंग इज करेक्टली इज द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मीन्स इट शुड मीट द यूजर रिक्वायरमेंट. नाउ वी विल सी द लेवल ऑफ टेस्टिंग. देर आर फोर लेवल ऑफ टेस्टिंग एज यू आर लुकिंग इन द डायग्राम. वेरी कलरफुल डायग्राम इज हियर. यूनिट टेस्टिंग, नाम से समझ में आ रहा है कि ईच एंड एवरी कोड शुड बी टेस्टेड, दैट इज कोड टेस्टिंग ऑल्सो. नाउ इंटीग्रेशन मीन्स यू आर ज्वाइनिंग समथिंग समथिंग. मीन्स इन यूनिट टेस्ट को जो स्मॉल मॉड्यूल्स में टेस्ट हुए हैं, यू आर ज्वाइनिंग, इंटीग्रेटिंग. दिस इज नोन एज द डिजाइन टेस्टिंग बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिजाइन वी शुड टेस्ट एज अ होल ऑल्सो. Now validation testing means again the requirement customer ने जो मांगी थी. And system testing means all software, hardware, people, database all over the function should work properly. This is the level of testing. Four level of testing is here. Unit testing, integration testing, validation testing and system testing. Now till today
we will be taking a break. In next lecture we will see the unit code testing, which is divided into two part, white box and black box testing. We will see tomorrow in detail. Till then, goodbye.